प्यार होते होते होगा आ, प्यार आ, जब क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हो अपनी जिंदगी में यू नो डर भी उतना ही है पर वो जब भी देखते हैं मैं घबराती हूँ तो फिर अगर पता होता कि प्रपोजल है तो मैं थोड़ा और हॉट रेडी होके आती थोड़ा तो लिपस्टिक वुपस्टिक लगाती बिल्कुल भी नहीं है कुछ नहीं है अ ग्रेट फादर आई थिंक बहुत ही अमेजिंग डैड है और uh, अब तो खैर इट्स यू नो द होल द इज़ अ होल लाइफ हैड टू गेट टू नो इच अदर बट आई थिंक एक अच्छे डैड हैं और एक अच्छे इंसान हैं और uh, देखते हैं कैसे होता है नेल और नेल पेंट, <laughs> <नेल> पेंट। <laughs> सबको पता है अब हाँ आई थिंक इट्स रियली नाइस दैट यू ओन बींग अ गर्ल्स डैड और अब वो अपने आप को गर्ल बॉय डैड बोलते हैं क्योंकि वो जेरन को अपने लाइफ में उतने प्यार से यू uh, नो you know, Uh, क्या बोलेंगे एक्सेप्ट इज द रोंग वर्ड प्रोबेबली बहुत प्राउड हैं एंड आई थिंक आई थिंक द ग्लो ऑफ पेरेंट्स इज़ वेरी डिफरेंट लाइक आई से ये शादी जस्ट वैन आई केम ऑल्सो यू नो दिस इज़ अ मदर ब्राइड इट इज़ नॉट आई एम जस्ट नॉट अ गर्ल जिसको यू you नो know, शादी है चलो करते हैं मैं अभी भी जेडन से आपने देखा ही होगा थ्रू आउट आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद हिम वो एक बर्थडे पार्टी में है दस काम करना है उसको छोड़ना है उसको लेना देर ऑफ थिंग्स आर आ गोइंग ऑन तो um, आई थिंक इतना कुछ कोऑर्डिनेट करना और सब करना एज अ मदर टू कम टू अ पॉइंट वेर यूर सेटलिंग डाउन अगेन इज नॉट ईजी एट ऑल एंड लेट्स हाउ हाउ दिस जर्निंग देखो सच्ची बताओ देखो प्यार तो ठीक है वो तो होता ही बिकॉज यू नो एज अ पर्सन लाइक अ सर ही इज अ ग्रेट डायर इज अ ग्रेट पर्सन आई थिंक प्यार होते होते होगा प्यार जब क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हो अपनी जिंदगी में यू नो है सो मच इन माई लाइफ इतना उतार चढ़ाव देखें दैट नाओ हैव कम टू अ पॉइंट वेयर ओनली रिस्पेक्ट या एक uh, क्या बोलेंगे एक uh, हाँ रिस्पेक्ट आई थिंक अगर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा तो प्यार अपने आप होता जाएगा एंड दैट इज़ वॉट रिलेशनशिप इज़ नाओ यू नो वो मुझे और मेरी जर्नी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मैं उनके उतार चढ़ाव को uh, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई थिंक दैट इज़ द रिलेशनशिप विच इज़ द ट्रूथ ऑफ टूडे सो या वो बेचारे अभी भी मना ही रहे <laughs> मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम है मुझे कोल्ड फीट बहुत जल्दी होता है बहुत लाजिम सी बात भी है आई हैव यू नो आई एम मूविंग टू अनदर कंट्री आई एम पैकिंग माई बैग्स मेरा करियर पीछे है, तो आई हैव टू ट्रैवल अलॉट नाउ फॉर माई करियर तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है एंड uh, तो डर भी उतना ही है पर वो जब भी देखते हैं मैं घबराती हूँ तो फिर शांत कर आते हैं ही टेक्स टाइम एंड या आई होप नहीं तो मैं शूज़ पहन के आऊँगी मैंने बोला कार वार तैयार रखना रन अवे ब्राइड डेफिनेटली दुबई में प्रपोज़ नहीं हुआ हम लोग तो तब जान रहे थे एक दूसरे को uh, अभी रिसेंटली नेपाल में उन्होंने मुझे प्रपोज किया यू हैड अ वेरी रोमांटिक प्रपोजल रेडी और uh, बहुत ही प्यार से उन्होंने पूरे फ्लावर्स और ये वो करके पूरा एक बहुत ही प्यारा सा एक म्यूज़ियम uh, था वहाँ पे हम लोग गए और जहाँ जब तक मैं और बहुत सारे कैमरा मैन भी थे वहाँ पे जब तक मैं वापस आई तो पता चला सारे कैमरामैन मेरे लिए हायर किए हुए थे टू कैप्चर एवरी मोमेंट एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल ही माय रिंग इज इनसाइड सो ही प्रपोज्ड एंड इट वाज रियली नाइस हाँ मतलब मैं मुझे ये तो लगा था कि प्रपोजल होने वाला है क्योंकि हम मैरिजेस <laughs> की तो बात कर ही रहे थे देखो जैसे मैंने कहा ना अभी बड़ी प्रैक्टिकल सी लाइफ है तो मैरिजिज मैरिज की बात तो चली रही थी कि शादी होगी ये वो लेकिन uh, कहीं ना कहीं आई थिंक uh, वो एंटिसपेशन था कि करेंगे तो ऑब्वियसली करेंगे ही लेकिन कब और कहाँ ये नहीं सोचा उस दिन तो डेफिनेटली नहीं सोचा था क्योंकि मैं मतलब आई थिंक अगर पता होता कि प्रपोजल है तो मैं थोड़ा और हॉट रेडी होके आती थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक लगाती बिल्कुल भी नहीं है कुछ नहीं है पोनी बांधी हुई है इतने सारे पता नहीं करोड़ों कपड़े पहने हुए हैं मैंने <laughs> तो अगर पता होता थोड़ा प्रिपेयर होती मुझे बिल्कुल पता नहीं था एंड बट आई थिंक इट्स रियली नाइस हम आई थिंक आई लाइक बींग नेचुरल दिस इज़ वेरी मी और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा मेकअप वैसे ही नहीं करती